अगर आप भी दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए खबर काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको बताते चलते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले आपको कौन कौन प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार यूजी और पीजी दोनों पाठ्यक्रमों में एडमिशन CSAS पोर्टल के जरिए ही किया जाएगा। यू में दाखिले के लिए स्टूडेंट को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी और पीजी में दाखिले के लिए 14 जून से CSAS पोर्टल शुरू करेगा और पोर्टल शुरू होने के बाद ही CUET यूजी या CUET पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट को पंजीकरण करना होगा। ना इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के किसी भी स्टूडेंट को DU में दाखिला नहीं मिलेगा। बता दें कि अभी CUET यूजी और CUET पीजी परीक्षाएं चल रही हैं और CUET यूजी रिजल्ट 2023 के दूसरे सप्ताह में जारी करने के लिए कहा गया है। इसके बाद NTA CUET पीजी के नतीजे भी जल्द ही घोषित कर सकता है। हालांकि इन दोनों परीक्षाओं के परिणाम किस समय और किस डेट को घोषित होंगे इस संबंध में NTA ने कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही पाठ्यक्रमों में एडमिशन CSAS पोर्टल के जरिए ही होगा। बता दें कि पिछली बार केवल ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में ही इस पोर्टल के जरिए दाखिला हुआ था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DU के डीन ऑफ एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी के मुताबिक 14 जून से प्रवेश के लिए पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा, जहां पर स्टूडेंट दाखिले के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि DU में ग्रेजुएशन की करीब 70,000 सीटें हैं, वहीं 65 कॉलेज अलॉट होंगे। वहीं PG और UG पाठ्यक्रम में प्रवेश CUET 2023 स्कोर के जरिए ही होगा। आगे की जानकारी भी हम आपको देते चले तो स्टूडेंट एडमिशन से पहले कॉलेज और DU की वेबसाइट पर विजिट कर सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही BHU में भी ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी गई है। CUET UG के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स BHU की आधिकारिक वेबसाइट BHUonline.in के जरिए 26 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं PG में प्रवेश के लिए भी BHU जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। फिलहाल तो हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TV न्यूज के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।